यस, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। टुडे आई एम दिस वीडियो फॉर वर्गो ज़ोडियक साइन। कन्या राशि के जातकों का 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय कैसा जाएगा, ये मैं जानना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू। और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएँ कि वर्गो ज़ोडियक साइन जिनका है कन्या राशि के जातकों का 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय कैसा जाएगा और क्या मैसेज है उनके लिए। मैं लास्ट में आपका लव मेट के साथ भी देखना चाहूँगी रिलेशनशिप, और 15 डेज में आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, ये मैं देखना चाहूँगी। इसमें फर्स्ट कार्ड जो आया हुआ है वो ये बता रहा है कि इस वक्त आप बहुत ही स्टार की तरह फील करेंगे। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ पे विक्ट्री पाना, किसी चीज़ को आप विन करेंगे, विक्ट्री पाएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हुआ रहेगा। किसी पिता समान व्यक्ति से, किसी बड़े भाई से आपको जो है, किसी मेल पर्सन से जो आपको सपोर्ट करता हो, कोई भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। उसके संपर्क में रहिए, संपर्क में हो सकता है आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको चीज़ें विन करने को मिल सकती हैं। आप जीतेंगे, यू विल विन योर वर्क एंड यू विल हैव द कैपेसिटी टू विन। यहाँ पे प्रोग्रेस का आया हुआ है, जिस फील्ड में अभी आप काम कर रहे हैं उसी में आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। यू विल गेट द प्रोग्रेस एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। एंड यहाँ दिखा रहा है कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हो सकता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए सोचें, या अपने ही हायर एजुकेशन में हो सकता है कि वो कुछ बेटर करने की कोशिश करें, जो भी उनका फील्ड हो, प्रोफेशनल जो भी फील्ड हो, जो प्रोफेशनल से जॉब करने वाले लोग हैं उनका भी यहाँ दिखा रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में, कंपनी में कहीं भी काम करते होंगे उस पर वो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो हाउसवाइफ हैं अगर आप, तो यहाँ दिखा रहा है अपने घर को संवारने में, अपने घर को मैनेज करें, कैसे करें, रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करें, ये सब चीज़ों पर दिखा रहा है, आपकी खुद की प्रोग्रेस दिखा रहा है। अगेन यहाँ विन का कार्ड आया हुआ है, आप हर हाल में जद्दोजहद करके, हार्ड वर्क करके किसी तरीके से उस चीज़ को पाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और आपको वो चीज़ मिलेगी भी। लेकिन यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आपकी सब चीज़ें नहीं मिल सकती, आपको कुछ चीज़ें जो है वो रह जाएंगी, आप सोचते रह जाएंगे, वो हो नहीं पाएंगे। तो बी केयरफुल, आप जो काम कर रहे हैं, ये नहीं कि 4-5 काम इतने एक साथ कर रहे हैं और फिर आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, 1 या 2 काम जो आपको कंफर्म लग रहा होगा उस पर तो आप विजय हासिल कर लेंगे। यू विल गेट द विक्ट्री इन 1 or 2 वर्क, वट एवर यू आर डूइंग, बट अदर वर्क यू विल नॉट बी एबल टू डू एंड यू विल ओनली थिंक एंड यू विल नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट। आप सोचते रह जाएंगे, सपना का सपना रह जाएगा, ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा, तो उस पर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काम तो आपके बन ही रहे हैं, चीज़ें आपकी अथॉरिटी, आप ध्यान रखिएगा, आप अपने चीज़ें, अपनी डिसीजन अपने हक में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बहुत पॉजिटिव टॉप मोस्ट का कार्ड है ये भी, कि ये बताता है कि चीज़ें आप अपने हक में रखिएगा, डिसीजंस अपने हक में रखिएगा। ये नहीं कि जो जिस व्यक्ति के संपर्क में है उसको सारा डिसीजन दे दिया, नहीं, डिसीजन आपको लेना है। नेक्स्ट कार्ड जो है ये बता रहा है कि चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलिए, कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको ध्यान से रखिए, कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है, आप अपने रिश्तों को, अपने जो आपके अपने हैं, जिनके, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी है, घर में आपके बच्चे हैं, जिसको भी आप सपोर्ट करते हैं, उन सबको आप सपोर्ट करके चलिए, कोई उनको हानि पहुँचाने की कोशिश ना करें, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपका लव मेट के साथ देखना चाहूँगी किस तरह का यहाँ पर आपका लव मेट के साथ रिलेशनशिप रहेगा। दीज आर द ओरेकल हीलिंग कार्ड्स, तो मैं देखना चाहूँगी कि क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है, इट इज़ टेलिंग दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप। एक्चुअली कोई डार्कनेस का यहाँ का दिखा रहा है, देयर विल बी सम डार्कनेस, कोई निराशा दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में। ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। कोई जन आपके कान ना भर दे आपके लवमेट के खिलाफ, आपके लवमेट के साथ तो अच्छे आपके रिश्ते हो रहे हैं, लेकिन कोई जना कान ना भर दे या कोई जना आपकी नज़र ना डाल दे, कोई सकता है कि टोना टुका ना कर दे, तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। यू हैव टू कीप एन आई, आपको आँख रखनी, गड़ा के रखनी है अपने रिश्तों के संबंधों में कि कोई जना गड़बड़ ना करे, इस चीज़ की मैसेज है। और यहाँ पे डिवाइन हेवनली ब्लेसिंग्स हैं, आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता इस वक्त, जो कोई भी लव मेट है आपका, जो आपका ख्याल रखता हो, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार हो, इस तरह की चीज़ दिखा रहा है कि यू विल गेट द डिवाइन
हेवनली ब्लेसिंग्स फ्रॉम द स्काईज, आपका ऑरा बहुत अच्छा रहेगा, अपनी अंतरात्मा की अगर आप आवाज़ सुनते रहेंगे तो अच्छा है। इस वक्त ये दिखा रहा है कि किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं, एंड यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम द एंजल्स, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको बचा ले जाएंगी। आपका जो अगर रिश्ता कहीं गड़बड़ हो रहा होगा तो ध्यान रखिएगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा। एंजल्स कैन बी एबल टू प्रोटेक्ट यू ओनली व्हेन यू लिसन योर इनर हार्ट वॉइस। तो ध्यान रखिएगा, आपको एंजल्स बचाएंगी ही बचाएंगी। इसमें बहुत जो है निराशा हो सकती है आपको रिलेशनशिप में, हो सकता है कुछ टेंशन प्रेशर्स आए, तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी जो अपनी सोच आ रही है, क्योंकि एंजल्स आपके सीधे जो है वो मैसेज करते हैं हार्ट और माइंड पे, तो आपको उनको सुनना चाहिए, एंड दे विल प्रोटेक्ट यू। यहाँ पे दिखा रहा है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस वक्त, और यहाँ पे आपको कई सारे नामों से नवाजा जा सकता है, जैसे कई सारे जिम्मेदारियाँ दे दी, देखो वो भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, तो इस तरह की चीज़ दिखा रहा है कि आप जिम्मेदारी करते हो नज़र आएंगे अपने रिलेशनशिप में। आप हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो बिल्कुल निभाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करिए, तभी रिश्ते जो है वो अच्छे बन सकते हैं। ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है, कई सारे नामों से आपको नवाजा जा सकता है, कई सारे नाम आपको दिए जा सकते हैं, तो विल गेट द प्रॉफिट ऑफ इट इन द फ्यूचर ऑल्सो। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।